अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज आपके साथ कुछ रैंडम थॉट्स शेयर करते हैं। रिमेंबर द फंक्शन ऑफ योर माइंड इज टू थिंक फॉर योरसेल्फ, नॉट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स इन इट फॉर योरसेल्फ। इट्स नॉट अ वेयर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। यू हैव टू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डिजाइन एंड organize a system to store and record those information and ideas for yourself for your later use. So क्या करते हैं आप अपने mind में आने वाले thoughts and ideas को record करने के लिए? क्या आप अपने computer में मौजूद notes application use करते हैं? क्या आपने एक diary बनाई है जिसमें आप अपनी सारी information, अपने thoughts, अपनी to-do list, अपने mind में आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं? और अगर आपको अपनी किसी पास्ट में इन्फॉर्मेशन, थॉट, आइडिया को ढूंढना हो तो आप क्या करते हैं? डायरियां खंगालते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, या आप अपने नोट्स को सर्च करते हैं, या अपने फ़ोन में देखते हैं? क्या सिस्टम बनाया आपने अपने आइडियाज़ को कैप्चर करने के लिए? याद रहे, दिमाग में मालूमात स्टोर करना मुश्किल काम है, बट माइंड को यूज़ करते हुए इमेजिनेशंस, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, आइडियाज़, इन्वेंशंस के बारे में सोचना आसान काम है। सो दिमाग से वो काम लें जो उसका है, और आप अपने आप से वो काम लें जो आपका है। सो पहला थॉट तो ये। दूसरा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे आप, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आगे बढ़ने के, आपकी लाइफ के आसान होने के, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने के, आपके गोल्स अचीव करने के लिए, आपका जो एक एनवायरनमेंट बनना चाहिए उसके लिए। सो हमेशा अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें। स्टार्ट विद योर लैपटॉप, फ़ोन, आपका वार्डरोब, आपका वर्क डेस्क, आपका होम ऑफिस, आपकी कार, आपकी जो भी स्टोरेज के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, कोई अपने घर में या ऑफिस में कोई कपबोर्ड है या वट एवर इट इज़, उसको और इन सारी चीज़ों को। फिर आप अपने रिलेशनशिप्स को ऑर्गेनाइज करें, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, रिलेटिव्स को कितना टाइम देना है, कितना आपने इंटरेक्ट करना है, किस किस से आपकी क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, उसको कैसे पूरा करना है। और लास्ट थॉट ऑफ द डे इज एथिक्स। आप थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेंट बन जाएं और देखें। जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, आप अगर लाहौर में रहते हैं, आप देखें कि क्या हालात हैं हमारे एथिक्स के। ट्रैफिक को देख लीजिए, ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट को देख लीजिए, घरों में अपने घर के एनवायरनमेंट को देख लीजिए। कितना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपनी मौजूदा और आने वाली जनरेशन को इस चीज़ पे ला सकें कि सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में आपके और हमारे मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, जिनको हम कैरी करते हैं, जिनको साथ लेके चलते हैं, जिनकी बुनियाद पे हम पहचाने जाने जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे हमारा दुनिया में हमारी ग्रेस, और फिर आफ्टर दिस लाइफ आखरत में भी हमारा हिसाब किताब होगा। सिग्नल पे खड़े ना होना, ट्रैफिक की तो बात ही ना करें। ट्रैफिक में आप कैटेगराइज कर लें, आप रेट कर लें, एज ए कंट्री, एज ए सिटी ट्रैफिक में रेट कीजिए, आप अपनी लाइफस्टाइल में रेट कीजिए, एजुकेशन में कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सो मेरे ख्याल से बजाय इस बात को ज़्यादा ब्रेन स्ट्रॉम करने के कि कितनी ज़रूरत है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं आज से पहले की नस्बत ज़्यादा केयरफुल, एथिकल और अच्छे तरीके से अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करूँगा, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करूँगा, अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, अपने आप को, यानी अपने ऊपर काम करना, जिसको हम कहते हैं पर्सनल ग्रोथ पे काम करने की
कोशिश करूँगा, वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, रिलेशनशिप्स को निभाने, कमिटमेंट्स को पूरा करने की ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश। कभी भी ये ना कहें कि बाकी लोग करेंगे तो मैं करूँगा, मैं करूँगा सब ठीक हो जाएगा, किसी और की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं या आप, अपने आप से हम शुरू कर लें। जो भी चाहता है चेंज, वो अपने अंदर चेंज ले आए, दैट्स ऑल, इट स्टार्ट्स लाइक दैट। और आपने सिर्फ स्टार्ट करना है, अपनी खाने पीने की आदत को बेहतर कर लेते हैं। मतलब मैं आपको नहीं नसीहतें कर रहा, ये सारी नसीहतें मैं खुद को कर रहा हूँ। मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मुझे अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स, जिसमें सारा दिन जो चाय बिला वजह की चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पानी का कम पीना एक प्रॉब्लम है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, कम खाना। सो इन सारी चीज़ों पे अगर हम तवज्जो देंगे, इम्प्रूव करेंगे, ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, ऑब्वियसली हमसे एसोसिएटेड लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, उनकी लाइफ बेहतर होगी, उनके साथ एसोसिएटेड लोगों की लाइफ बेहतर होगी। एग्जाम्पल्स ऐसे बनती हैं, लेट्स स्टार्ट मेकिंग एग्जाम्पल्स, क्या कहते हैं आप? साथ देंगे? शुरू करें आज से एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए एक अच्छे इंसान का होना ज़रूरी है। सो एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक विल पावर चाहिए, एक आपके अंदर से विल चाहिए कि यस आई कैन चेंज माई सेल्फ फॉर द बेटर एंड आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट आई हैव टू चेंज इन माई सेल्फ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, खुदा हाफिज़।